हेलो दोस्तों, तो इसी सीरीज़ में मैं चर्चा करने वाला हूँ सोलेनेसी फैमिली के बारे में। सोलेनेसी फैमिली में जो भी आपके एग्जांपल्स दे रखे हैं उनको याद करने में लोगों को अगर परेशानी हो रही हो, ठीक है, जनरली होती ही है, तो मैं उस परेशानी को शॉर्ट आउट करने के लिए एक आपको ट्रिक लेकर आया हूँ जो कि सोलेनेसी फैमिली के एग्जाम्पल्स के ऊपर बेस्ड है। ठीक है, तो अब आप सिर्फ मेरी आवाज़ सुनेंगे और अपनी आंखें बंद कर लीजिए। मैं कुछ एक एक चीज़ आपको इमेजिन करवाने वाला हूँ, आप सिर्फ उसको इमेजिन करें, इसके बाद हम आगे बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए, आपको इमेजिन करना है कि एक बड़ा सा स्टेडियम है, ठीक है, बहुत बड़ा सा स्टेडियम है, और उसमें किसी की शादी हो रही है। ठीक है, उसमें किसी की शादी हो रही है, और शादी में जो सजावट करी गई है ना, जो शादी हो रही है उसमें जो सजावट करी गई है वो पिटूनिया नाम के फूलों से करी गई है, यानी कि जो पिटूनिया के फूल होते हैं ना उनसे उसकी सजावट करी गई है। ठीक है, सजावट करी गई है, यहाँ तक क्लियर है। आगे हम बढ़ते हैं कि जैसे ही आप एंटर होते हो, मान के चलो आपको उस शादी में जाना है, तो आप उसमें एंटर होते हो, तो एंटर होते ही आपको जो एंट्री गेट होता है उस पर डॉक्टर आशा और डॉक्टर वेला, ठीक है, दो नर्स होती हैं। ठीक है, दो नर्स होती हैं, और वो नर्स क्या काम कर रही होती हैं, वो जो नर्स हैं डॉक्टर आशा और दो डॉक्टर वेला, वो आशा और वेला क्या काम करती हैं, वो मेडिसिन देने का काम करती हैं कि वहाँ पे आप जा रहे हो तो आपको मेडिसिन दे रही हैं। ठीक है, इसके बाद आपको क्या नोटिस करना है, सॉरी, आपने इसके बाद क्या नोटिस किया कि जो आशा और जो डॉक्टर वेला हैं वो दोनों क्या काम कर रही हैं, वो दोनों टोबैको खा रही हैं। ठीक है, टोबैको खा रही हैं, ये बात आपने इमेजिन करी। इसके बाद आप आगे गए और वहाँ जो खाना बन रहा था उस आपने उस रसोई में जाके देखा, तो आपको उस रसोई में जाके क्या मिला कि जनरली जो शादियां होती हैं उनमें आलू की सब्जी या बैंगन और नमक मिर्ची तो कॉमन सी चीज़ है कि मिर्ची डलेगी, लेकिन यहाँ पर जो सब्जी बनी है उसमें ना तो आलू आलू है, यानी कि ना तो पोटैटो है, ना ब्रिंजल है, यानी कि ना बैंगन है, और ना ही मिर्ची है। ठीक है, ये जो तीन है, ये जो तीन चीज़ें हैं, या जो तीन दो सब्जी हैं और एक मिर्ची है, ये शामिल नहीं है। ठीक है, आपने सिर्फ इतना सा इमेजिन करना है। ठीक है, इसके बाद आप जो एग्जांपल्स देखेंगे, ठीक है, यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स दे रखे हैं, जैसे कि आप देख रहे हो, इन इन एग्जांपल्स को आप एक बार पढ़िए, यानी कि मैनी प्लांट्स बिलोंगिंग टू दिस फैमिली आर सोर्स ऑफ फूड, फूड यानी कि टोमेटो, ब्रिंजल, पोटैटो। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है कि इसमें टोमेटो है, ब्रिंजल है और पोटैटो है। ठीक है, यानी कि फूड में क्या आएगा, टोमेटो आएगा, ब्रिंजल आएगा, पोटैटो आएगा। मैंने इसमें जो टोमेटो है वो नहीं लिया है, तो इसमें आप टोमेटो लिख सकते हैं। ठीक है, कि टोमेटो भी नहीं है, ना है ये उसमें, बैंगन है और ना ही आलू है। इसके बाद आप स्पाइसेस में चले जाओ, तो स्पाइसेस में आपको चिली, ठीक है, स्पाइसेस में आपको चिली याद हो गई, मेडिसिन के लिए वेलाडोना, वेलाडोना यानी कि डॉक्टर डॉक्टर वेला और डॉक्टर आशा से याद रखना है आपको अश्वगंधा। ठीक है, इसके बाद फ्यूमिगेटरी में याद रखना है आपको टोबैको, और ऑर्नामेंटल में याद रखना है पिटूनिया। ये सारे के सारे आपको एग्जांपल्स आसानी से याद हो जाएंगे। ठीक है, तो इसी तरह की और ट्रिक्स जानने के लिए मुझसे संपर्क कर सकते हो, मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हो। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, और तैयारी करते रहें अपनी अच्छे से। बाय।